बहुत सारे PSU का रिक्रूटमेंट शुरू हो चुका है, बट अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ है कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरना है। वो रेगुलरली चैनल को विजिट नहीं कर रहे, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स चैनल पे वीडियो है वो देखते नहीं है, और उनको कन्फ्यूजन रह जाता है कि ये PSU का रिक्रूटमेंट कब से शुरू होगा। तो इस वीडियो में हम डेडिकेटेड उसी रिगार्डिंग बात करेंगे कि PSU रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2021 क्या क्या होने वाले हैं। इस वीडियो में हम 3 पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट रहेगा जिसमें हम PSU रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2021 के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे PSU रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2018, 2019 और 2020 के बारे में। और उसके बाद हम बात करेंगे PSU रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2021 जिनका PSU रिक्रूटमेंट आने वाला है। ऐसे 3 पार्ट रहेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ऐसे कौन कौन से PSU है जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं अभी के टाइम पे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप गेट 2022 या फिर गेट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आ रहे हैं अनअकैडमी कॉम्बैक जो होने वाला है 7 मार्च को सुबह 11 बजे। यहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है जो कि गेट के बेस पे रहेगा। यहाँ पे आप अपना गेट प्रिपरेशन असेस करते हो 65 मिनट्स में। यहाँ पे चैलेंजिंग और ओरिजिनल गेट क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे एलिजिबल ब्रांचेस की बात करें तो मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर और IT वाले इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रैंकिंग भी मिलने वाली है और प्लस वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ये टेस्ट देके आप प्राइजेस भी विन कर सकते हो जो कि स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको प्लस सब्सक्रिप्शन की अन अकेडमी के द्वारा। अगर आप SSC JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए स्पेशल क्लासेस अनाउंस कर दिए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं SSC JEE के लिए। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो ये अलग अलग क्लासेस होने वाले हैं, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंटरनल कंबशन इंजन जो कि IC इंजन है, हीट एंड मास ट्रांसफर, तो ऐसे क्लासेस होने वाले हैं। तो आप इसमें फ्रीली एनरोलमेंट कर सकते हो और आपको इससे आइडिया हो जाएगी कि अनअकैडमी पे कैसे सिखाया जाता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप डेफिनेटली इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आप इसमें एनरोलमेंट करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से एनरोलमेंट कर सकते हो। एनरोलमेंट करते समय आप मेरा कोड ज़रूर यूज़ कीजिए जो कि है नोक्यूलेटर, KNOWCULATOR, जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो पहले बात करते हैं PSU रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2021 के बारे में। तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और वहाँ पे सभी चीज़ें समझाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले बात करते हैं हम PSU रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2021 के बारे में। तो जो पहला PSU है वो गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है, जिन्होंने अपना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिया है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी चालू है। इसका लास्ट डेट क्या है वो आपको पहले बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 16 मार्च इसका लास्ट डेट है, तो आप 16 मार्च तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी शुरू है। तो यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल उसके बारे में बात करते हैं। बीटेक इन केमिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन एलिजिबल है, मतलब आपने CS से या फिर IN से पेपर दिया होगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो आपके डिग्री में होने चाहिए वो है 65% फॉर जनरल कैंडिडेट, 65% आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होने चाहिए आपके BE में, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। यहाँ पे टोटल 25 वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट चल रहा है। और यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 26 ईयर्स जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर OBC की बात करें तो यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और SC ST की बात करें तो यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे 2 स्टेज में रिक्रूटमेंट होने वाला है, एक है गेट 2021 और दूसरा है PI जो है पर्सनल इंटरव्यू। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको गेट स्कोर इनपुट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो। उसके बाद जॉब प्रोफाइल आपको मिलेगी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की, और सैलरी आपको मिलेगी 60,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में। इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको कुछ भी डाउट है इसी रिगार्डिंग। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको पे नहीं करनी है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, और लास्ट डेट जो है वो 16 मार्च होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक इसके लिए अप्लाई नहीं किया होगा और आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। सेकेंड PSU की बात करें जो गेट 2021 थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो है NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके रिगार्डिंग रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो डिटेल वीडियो, बट इस वीडियो में हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा इसकी जो क्वालिफिकेशन डिग्री है वो है BE BTECH इन माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। माइनिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात करें तो 60% आपको आपके डिग्री में होने चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 25 वैकेंसीज है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 27 ईयर्स है फॉर जनरल कैंडिडेट, और यहाँ पे 3 स्टेज में सिलेक्शन होने वाला है। फर्स्ट रहेगा गेट 2021 डेफिनेटली, क्योंकि ये गेट 2021 थ्रू रिक्रूटमेंट हो रहा है। अगर आप गेट 2021
से शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको जीडी प्लस पीआई देना होगा। जीडी और पीआई से आपका फाइनल रिक्रूटमेंट होने वाला है। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल की बात करें तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की यहाँ पे प्रोफाइल है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 60,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का वो 21 मार्च है। इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म शुरू है। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, बट अगर आप एलिजिबल हो तो ही आप भर दीजिए। यहाँ पे ₹500 एप्लीकेशन फॉर्म फी है। अभी बात करते हैं ऐसे कौन से पीएसयू है जो गेट 2020, गेट 2019 और गेट 2018 से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाया था जो है एनपीसीएल के रिगार्डिंग। तो एनपीसीएल का वीडियो आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की बात करें तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड अभी अपना खुद का रिक्रूटमेंट कर रहा है थ्रू गेट 2020, गेट 2019 और गेट 2018 से। अगर आपने बी बीटेक इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल इंजीनियरिंग से किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 60% आपको बी में आपके होने चाहिए है। उसके यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है, लगभग 200 वैकेंसीज के लिए ये रिक्रूटमेंट हो रहा है। एज लिमिट की बात करें तो 26 ईयर्स है यहाँ पे एज लिमिट फॉर जनरल कैंडिडेट। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गेट 2021 प्लस जीडी प्लस पीआई, इस 3 स्टेज में इसका रिक्रूटमेंट होने वाला है। यहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल है वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की है और सैलरी आपको 60,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में मिलने वाली है। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 9th मार्च है, तो 9th मार्च में इसका एप्लीकेशन फॉर्म खत्म होने वाला है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन फी है ₹500। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ₹500 फी पे करनी पड़ेगी। अभी बात करते हैं ऐसे पीएसयू की जिसका रिक्रूटमेंट आने वाला है थ्रू गेट 2021। यहाँ पे कंफर्म पीएसयू की बात करेंगे, ऐसा नहीं बात करेंगे कि इसका आएगा होने वाला है, बट यहाँ पे मैं कंफर्म पीएसयू के बारे में बात करना चाहूंगा। यहाँ पे कंफर्म पीएसयू है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड जो है पीजीसीआईएल। इन्होंने अपना रिक्रूटमेंट थोड़ा पोस्टपोन कर दिया था, बट आई होप इसका रिक्रूटमेंट मार्च में आ सकता है। तो इसके कंफर्म पीएसयू के बारे में ही बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री अगर आपने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सिविल से किया है तो आप पीजीसीएल के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो थोड़ी ज्यादा है, वो है 70% फॉर जनरल कैंडिडेट। एज लिमिट की बात करें तो 28 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट है फॉर जनरल कैंडिडेट। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे 3 स्टेज में होने वाला है, वो है गेट 2021, जीडी और जीटी प्लस पीआई। असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पे आपको जॉब प्रोफाइल मिल जाएगी। सैलरी आपकी सेम रहेगी 60,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 मार्च से स्टार्ट हो सकता है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, ये चीज ध्यान में रखिए। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 15 मार्च से आने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग डेफिनेटली इस चैनल पे आपको वीडियो मिलने वाला है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी एप्लीकेशन फी रहने वाली है, वो है ₹500। तो अगर आप पीजीसीआई के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। आई होप आप सभी के बहुत सारे डाउट पीएससी रिगार्डिंग क्लियर हो चुके रहेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके रिगार्डिंग डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।